रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह पाक सब को ठीक रखे और अपने हिफ्स ईमान में रखे यहाँ पे है जी वनसडे का दिन और अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर भी आप लोगों के सामने है ना गर्मी है ना सर्दी है ना धूप है ना छाँव है ना बारिश है ना सका मौसम है बस इसी तरह सामने ही है आप लोगों के वेदर तो हमने आज प्रोग्राम बनाया था पिकट डरी टाउन जाने का क्योंकि वसीम पाकिस्तान जा रहे हैं पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी तो उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी और एप्पल स्टोर पे भी जाना था तो उससे पहले हम लोग आजरा पे गए थे वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी फिर वहाँ से हाला की तरफ आए बच्चों को उधर हाला के पास छोड़ना था और हम लोगों ने जाना था टाउन घूमने फिरने किथे घुमन फिरन जाना जद्दू ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ بس ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ یہاں ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ سے آئے ਇਤਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਹੇ تھے মুনਤਾਬੁਰਾਕ اور ਮੁਕਰਮ ਮੋਹਿਦ ਨਾਇਆ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਐਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ تھے ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਕਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पर फिर भी तरसे पे ना मेरे बच्चे मिनतं करते नानो हाउस जाना नानो हाउस तो उधर वो भी बिछड़े पे होंगे ने तो बस यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे टाउन के लिए और बारिश होना शुरू होगी तो वसीम ने अनमोल वालों से पकोड़े लिए कि चलो साथ-साथ वेदर को एंजॉय करते हैं लाउड म्यूजिक एंजॉय करते हैं और साथ-साथ ना पकोड़े एंजॉय करते हैं हर ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨਾਲ بارش ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸੀਮ ਮੈਨੂੰ ਸਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰੋਂ ਨਾ ਚਟਨੀ ਦੀਆਂ ਘੁਟਾ ਪੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਪੀਵੀ ਦਾ ਨਾ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ تھے ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਚਟਨੀ ਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ कैसा तनु फील हो रहा है तो बस इसी तरह हंसी मजाक में बातों बातों में हम लोग टाउन भी पहुंच आए और यहाँ भी मामूल के मुताबिक बस हर बंदा अपनी भाग दौड़ में कोई बस को पकड़ने के चक्रों में कोई ट्राम को पकड़ने के चक्रों में कोई शॉपिंग के चक्रों में कोई स्कूल कॉलेज मतलब हर एक की अपनी अपनी भागम भाग लगी हुई थी बस नाले नू ना नाल नाले द कोई खबर नहीं आई कि साढ़े को रहा है तो कौन आ रहा है, थे, की, हो रहे है थे, की नहीं बस इसी तरह सबकी बिजी बिजी यहाँ पे लाइफ है कि कोई किसी को देखता भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं और इसी तरह अगर नेबर्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर बस किसी को साथ वाले घर में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान हर मले के हर गली महल वाले नु पता होंगे कि नाल वाले घर के हो रहा है नाल वाले घर कौन आ रहा है तो कौन जा रहा है तो यहाँ पे हर एक की बस इतनी बिजी बिजी लाइफ है भाग दौड़ में किसी को कोई होश खबर नहीं है तो बस इसी तरह मौसम को एंजॉय करते हुए काफ़ी हम लोग वॉक करके आर्नल सेंटर में आए क्योंकि हमें पार्किंग जो है वो बहुत दूर मिली थी बिल्कुल पास में पार्किंग नहीं मिली थी तो बहुत ज़्यादा वॉक करके हमें इधर आना पड़ा आर्नल सेंटर में सबसे पहले आए क्योंकि वसीम ने जाना था उधर एप्पल स्टोर पर वहाँ से इनको अपने मोबाइल की इलेक्ट्रिक वायर चाहिए थी चार्जिंग वायर तो वो लेने के लिए हम लोग पहले इधर आए और मैं वसीम को यही बोल रही थी कि इतनी दूर गाड़ी जो है वो पार्क करके इतना आपने मुझे चलाया इतना चलाया इतनी मैंने वॉक की मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ शॉपिंग की हिम्मत अब बिल्कुल रही नहीं है क्योंकि पहले इन्होंने यही कहा कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ अपने मोबाइल की वायर ले लूँ पहले तो फिर उसके बाद शॉपिंग करते हैं नेक्स्ट पे जाना था टीके मैक्स पे जाना था और प्राइमार्क पे जाना था तो फिर मैं यही कह रही थी अब कौन इतना चले पहले मैं शॉपिंग कर लेती आराम स्कूल से मुझे गाड़ी में बिठा देते फिर आप जाके जो मर्जी है लेते रहते करते रहते लेकिन ये है कि फिर हिम्मत मैं फिर भी नहीं हारी पता था शॉपिंग करनी है चीज़ें लेनी है तो वो भी एक्साइटमेंट थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं आई थी स्टोर पर कुछ लेने के लिए आ, मिकाल की दफ़ा भी मैंने सारी ऑनलाइन ही शॉपिंग कर ली थी वेदर भी कुछ ऐसा था और हिम्मत भी नहीं पड़ती थी और बच्चे भी फिर घर छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं था तो मैं आजकल तो बस यही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन ही मंगवा लूँ क्योंकि मेरे से इतना वाकई में नहीं चला जाता मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और बहुत जल्दी थक जाती हूँ क्योंकि सर्जरी के बाद अभी तक मैं सही तरह से रिकवर नहीं कर सकी तो लेकिन फिर भी पूरा टाउन घूम आई और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे वसीम ने अपने लिए कुछ ट्राउज़र लिए कुछ शर्ट्स ली ट्राई किए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें नेक्स्ट पे लेकिन मैं डिटेल में वीडियो तो नहीं बना सकी छोटे छोटे से क्लिप जो मैंने हैं वो बनाए तो यहाँ पे मैं वसीम को बोल रही थी कि देखें यूके में कितनी सर्दी है और आपने जैकेट पहनी हुई है तो पाकिस्तान तो इतनी गर्मी है आपको जाके पता लगेगा तो वो हम लोग हंस रहे थे तो जब आर्नल सेंटर से हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर ना एक लेडी ने स्टॉल लगाया हुआ था स्वीट कान का तो वो पास से गुजरे तो मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आई मैंने वहाँ पर खड़ी होगी मैंने कहा चलें स्वीट कॉर्न भी इंजॉय करते चले और साथ साथ ये देखें कितनी कड़क धूप मज़े की धूप निकल आई है साथ थोड़ी थोड़ी सर्दी थी और धूप भी निकली हुई थी तो मौसम की अपनी ही क्या ही बात थी सारा दिन से मैंने आपके साथ शेयर किया एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है एकदम से धूप निकल आती है फिर एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है तो ये देखें कितने मज़े के स्वीट कॉर्नस उसने रेडी करके दिए हैं मुझे हर है बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट कॉर्नस अक्सर मैं घर में भी होती हूँ तो मैं अपने लिए बनाती हूँ तो ये यहाँ प्राइम प्राइमार्क पर मैं बैठी हुई थी डिटेल में तो वीडियो नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी ये एक मैंने जो है सेट लिया था बैग और शू का ब्लू कलर में और एक ऑफ वाइट कलर में तो मैं बैठ के यहाँ पे ट्राई कर रही थी और साथ साथ पिक्चर्स बना रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ को सेंड करने के लिए एक मैंने उसके लिए लिया था एक अपने लिए तो उससे पूछने के लिए कि आप कौन सा लेंगी ब्लू लेंगी या ऑफ वाइट लेंगी तो इधर बैठ के नीचे राम से मैं पिक्चर बना रही थी उसको भेजने के लिए तो अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो ये पिक्चर्स पड़ी हुई थी डिलीट करने लगी जब गैलरी से तो मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चल रही हूँ ताकि आप लोग भी देख लें और थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आजकल प्राइमार्क में क्या आया हुआ है वैसे एक छोटी सी वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाई है तीन से चार मिनट की तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे डाल दूँगी उसमें बैग्स और शूज जो हैं वो ही मैंने रिकॉर्ड किए हैं पूरी तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी तो बस यहाँ पे प्राइम मार्क पर भी पे करते हुए थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया कि देख लें आप लोग क्या शॉपिंग की है लेने एक चीज़ आए तो कितनी इकट्ठी हो जाती हैं और टीके मैक्स पे भी गए वहाँ पे कुछ वहाँ से भी चीज़ें ली लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी और ये मार्क के साथ ही कोस्टा काफ़ी थी तो मैंने कहा कि ये चले अब मुझे कॉफ़ी पिलाएं तो लेकिन कॉफ़ी जो है वो हम लोगों ने टेकआउट ही की थी क्योंकि उनका क्लोजिंग टाइम हो चुका था तो वो कह रहे थे हम सारा क्लोज कर चुके हैं तो आप टेकआउट ही कर सकते हैं तो चलें जी ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ